जाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वक्त की सीधी लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पानीपत के मॉडल टाउन के सनातन धर्म मंदिर के ठीक सामने क्रिएटिव आर्ट होम के, जहां पर क्रिएटिव आर्ट होम की तरफ से एक आर्ट एग्जीबिशन लगाई गई है। इस एग्जीबिशन में अलग अलग कोनों से जो है बच्चे पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने खुद अपने हाथों से ऐसी ऐसी पेंटिंग्स जो है तैयार की हैं, जिसे देखकर आप भी जो है खुश हो जाएंगे। चलिए आपको हम अंदर की जो है लाइव तस्वीरें दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से बच्चों ने जो है अपने हाथों से ऐसी ऐसी पेंटिंग जो है लगाई हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आपसे अपील यही रहेगी, जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उनसे अपील यही रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग जो पेंटिंग है वो यहाँ पर सजाई गई है, ऐसी पेंटिंग जो शायद ही आपने कहीं और देखी होगी। पानीपत में जो है पहली बार इस तरीके की पेंटिंग देखने को मिली है। अगर आप अपने घर में बेहतरीन पेंटिंग जो है सजाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो खरीद कर भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे वो भी फैसिलिटी आपको दी गई है। ओनर हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज आपकी तरफ से आर्ट जो है एग्जीबिशन लगाई गई है? एक्चुअली मैं 3 साल से एग्जीबिशन लगा रही हूँ और मैं सिखाती हूँ, मुझे अराउंड 8 ईयर्स हो गए हैं सिखाते हुए। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा जो आर्ट वर्क हम करते हैं लोगों के सामने आए, जो कि पानीपत में ट्रेंड अभी तक इतना नहीं है। तो मुझे अच्छा लगता है आर्ट वर्क एग्जिबिट करना, लोगों को दिखाना, लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे पानीपत में भी। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 10, 12, 15 साल के, तो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। लाइक बड़ों के लिए लोग करते हैं एग्जीबिशंस, लेकिन छोटों बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म अभी मिला नहीं है। तो इसीलिए मैं 3 ईयर्स से आर्ट वर्क एग्जिबिट कर रही हूँ, बच्चों का भी और अपना भी। तो हर एक कलर मीडियम में यहाँ पर पेंटिंग्स हैं। आप दिखाना चाहेंगे मैम, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी दिखाएं कि किस तरीके से जो पानीपत में है जो ऐसी कला वो देखने को मिल रही है, ये किस तरीके की पेंटिंग्स हैं? ये एक्रेलिक कलर पे मैंने रेजिन वर्क किया है। लाइक दो मीडियम्स को मैंने मिक्स करके एक आर्ट वर्क बनाया है। तो कुछ कुछ क्रिएशंस मैं करती रहती हूँ ट्राई। ये पोर्ट्रेट है मदर टेरेसा का सॉफ्ट पेस्टल्स में, तो इसमें भी बहुत बारीकी से काम किया गया है। मैंने बहुत कोशिश की है एक एक चीज़ को उभारने की अच्छे से। और ऑयल पेंट्स भी हैं यहाँ पर। लाइक कुछ लोगों की चॉइस होती है लाइट और सूदिंग कलर्स की, तो उनके बारे में सोच के भी मैंने कुछ काम किया है। तो हर तरह की चॉइस के, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे आर्टवर्क अवेलेबल है। मैम, आपने यही स्ट्रीम क्यों चूज़ करी? इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है, ऐसा क्या पेंटिंग्स में जो है आपको इंटरेस्ट है? एक्चुअली मैंने MBA किया हुआ है वैसे तो, बट फाइन आर्ट्स मैंने बाद में किया था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आर्टवर्क में। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन बचपन से मैं करती थी कुछ ना कुछ। आप बच्चों को सिखाती भी हैं? बच्चों को सिखाती हूँ मैं, हाँ जी। यहीं पे आपकी क्लासेस लगती हैं? हाँ, यही, ये मेरी एकेडमी है, यहीं पे क्लासेस लगती हैं। ऑनलाइन, अभी पीछे लॉकडाउन में मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, बट वैसे ऑफलाइन रहता है। तो मैम ने हमें बताया कि इनके द्वारा जो है बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पर बच्चे अपने जो अंदर के जो हुनर को वो निखार सकते हैं। उनके द्वारा जो है ऐसी ऐसी पेंटिंग जो है उन्हें सिखाई जाती है, जो अपने आप देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। आपको हम आगे की लाइव तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, मैम के साथ हम जरूर आगे की जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जो है ये पेंटिंग है। हाँ जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मुझे लाइवली और बहुत पॉजिटिव पेंटिंग्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। लाइक जिसे देख के किसी के भी फेस पर एक बार स्माइल जरूर आए। लाइक ये बहुत लाइवली पेंटिंग है, ये बच्चों के ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसी पेंटिंग्स को देख के। तो हर आर्टिस्ट की वैसे तो अलग अलग चॉइस होती है, उसकी भावनाएं अलग होती हैं, सब कुछ डिफरेंट होता है, बट मुझे ये वर्क करना बहुत पसंद है लाइवली। यहाँ पे सेल्स के लिए भी कुछ है मैम? हाँ जी, यहाँ सब कुछ सेल के लिए, जो हम पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं पेंटिंग्स बनाते हैं, वो सब दिवाली के पास हम सेल करने के लिए एग्जिबिट करते हैं।
तो एक बार जो भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें फिर से हम बता दें कि मॉडल टाउन में सनातन धर्म मंदिर के ठीक सामने क्रिएटिव आर्ट होम की तरफ से एक आर्ट एग्जीबिशन जो है 7 से 12 नवंबर तक के लिए लगाई गई है। तो आप भी अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी पेंटिंग जो है खरीद कर जा सकते हैं। साथ ही कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए आप इस वीडियो पर कमेंट कर ज़रूर करें। हम बच्चों से जानना चाहेंगे, आज बच्चे आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है, क्या कुछ बताएंगे आप? मेरा नाम गौरिका अरोड़ा है। मैं बोलो, कैसा लग रहा है यहाँ पर अपनी जो है हाथ अपने जो अंदर के हुनर को निखारने के लिए एक अच्छा मौका जो है मैडम ने दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कि कौन सी पेंटिंग बनाई है आप दिखाओगे? डूडलिंग वर्क, इट्स अ डूडलिंग वर्क, पोस्टर कलर। अच्छा लगता है इस चीज़ में जो है पेंटिंग के थ्रू ऐसी जो पेंटिंग्स जो है आपके द्वारा जो पेंटिंग बनाई जाती है लोगों के घरों में लगती है, अच्छा लगता है ये? हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ बताओगे बच्चा? कौन सी पेंटिंग बनाई है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने चारकोल कलर से बनाई है, पेंसिल शेडिंग, वो हॉर्स एंड गणेश जी। लोगों से क्या कुछ कहोगे कि यहाँ पर आके आपकी पेंटिंग्स को देखें, कि यहाँ पर ज़रूर आएं? यहाँ पर सब आएं और पेंटिंग्स को देखें और अपने कमेंट्स दें। आपको क्या कुछ कहोगे बच्चा? मेरी ये पेंटिंग है, मैंने ये पेंटिंग पोस्टर कलर से की है और मुझे यहाँ आके ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जो है अपने हाथों से ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई है जो शायद ही कोई बड़ा जो है कर पाता। आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी पेंटिंग नज़र आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के थ्रू जो है बनाई गई हैं। आप ये पेंटिंग देख सकते हैं कि कितनी क्लैरिटी तरीके से जो है इस पेंटिंग को बनाया गया है। हम आगे की और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो एक बार फिर से दर्शकों से यही अपील रहेगी कि अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। हम आगे के सेशन में आपको लेके जाना चाहेंगे जहाँ पर वॉल डेकोर जो है घरों में यानी कि सजाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, अपने घरों की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग लगाना चाहते हैं कि अगर आपके घर में भी कोई आए और आपसे पूछे तो आप ज़रूर बताएं कि ये आपने ये पेंटिंग क्रिएटिव आर्ट होम से जो है खरीदी है। मैम हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आप मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? ये हमारी कैलीग्राफी की टीचर हैं, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे डांस क्लासेस, क्राफ्ट, कैलीग्राफी सब कराते हैं और इनका वर्क भी आप देख सकते हैं, ये भी फॉर सेल है। मैम और क्या कुछ बताना चाहेंगे कि 7 से लेकर 12 तारीख तक जो है ये आपने जो एग्जीबिशन लगाई है, इस एग्जीबिशन में बाकी दिनों में क्या कुछ खास रहने वाला है वो चीज़? ये 12 PM स्टार्ट हो जाएगी। हमें हर साल बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और इस साल भी हम उम्मीद करते हैं लोगों से कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो आइए और हमारा आर्टवर्क देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। तो मैम ने भी हमें जैसे कि बताया कि ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है ये 7 से लेकर 12 नवंबर तक के लिए सुबह जो है 12 बजे से शुरू होकर रात के 9 से 10 बजे तक रहती है। तो आपसे ये अपील रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि कला एक ऐसी है जहां पर आप अपने जो हाथ में जो कला है उसको आप उकेर सकते हैं पेंटिंग के थ्रू। तो बच्चों के द्वारा एक ऐसी ऐसी पेंटिंग जो है बनाई गई है जो अपने आप में ही देखने तो बनती है। मैम और भी कुछ बताना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? ये मेरा स्टूडेंट है 10 ईयर्स का, ये अभी अभी 3rd प्राइज विन करके आया है कॉम्पिटिशन से, सेकेंड प्राइज, ओके सेकेंड प्राइज विन किया है इसने। कोई टॉपिक नहीं था, इंस्टेंट बस गया और इसने ड्रॉइंग पोर्ट्रेट बनाया गांधी जी का, अब देख सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहोगे, आज आपने सेकंड प्राइज जीता है? यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे सेकंड प्राइज मिला। मैम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपने यहीं से सीखी है? यस। तो कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बाल विकास। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बच्चे हैं छोटी छोटी उम्र में ही इतनी अच्छी जो है पेंटिंग करते हैं। तो आपसे फिर आखिरी में ये फिर से ये रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। Thank you.